स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में होगा, एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, ऐसा पूछ रहा है। क्या ये सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है क्या कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर वो दो नंबर से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। कौन कौन से दो नंबर से मिलकर बनता है? पहला है रेशनल नंबर और दूसरा नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ छोटा सा। रियल नंबर, जो सारे रियल नंबर्स हैं वो रेशनल और इरेशनल के ही सेट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं फर्स्ट की, फिर मैं बात करूंगा थर्ड की, सेकंड बाद में, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर के पार्ट में रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये इरेशनल का पार्ट पूरा का पूरा रियल नंबर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 100% सही है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं उसके बाद। थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से रियल नंबर के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। मतलब एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर, यही तो निकल के आ रहा है यहाँ से। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही नंबर हैं, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। तो अगर यहाँ पे एवरी रियल नंबर लिखा है इरेशनल, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लेरिफिकेशन में दे चुका हूँ। दूसरे की बात करते हैं, क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहली बात, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पॉसिबल है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। आप +√5 भी बना सकते हैं, -√5 भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ √m, तो √m मतलब रूट, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स आ सकते हैं वो सारे नंबर पॉसिबल हैं। वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, जो m इज़ अ नेचुरल नंबर आ गया, यही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। लेकिन माइनस के जो नंबर हैं वो भी तो बनते हैं ना नंबर लाइन पे। तो m एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, उस कंडीशन में m एक इंटीजर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर वहाँ पे लिखा होता वेयर m इज़ एन इंटीजर, तो आपका ये 100% सही होता। और दूसरे में क्या, सम रियल नंबर आर इरेशनल, अगर ये होता तो भी सही होता, क्योंकि रियल नंबर में कुछ इरेशनल होते हैं कुछ रेशनल होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं तैयार हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पूछ रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके क्या स्क्वायर रूट सारे के सारे इरेशनल होते हैं क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो इसका एक एग्जाम्पल दे के दिखाइए। तो देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये जो इरेशनल का पार्ट होता है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जितने भी इंटीजर हैं, जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा होता है वो सारे इरेशनल होते हैं नेचर में, बशर्ते उसको छोड़ करके जिसका रूट डिफाइंड हो, ठीक है ना। जिसका रूट निकाला जा सकता है वो रेशनल हो जाएंगे, अदरवाइज जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता है वो इरेशनल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको इरेशनल के, तो जैसे √2 है, √2 1.414 होता है, लेकिन कंप्लीट वैल्यू थोड़ी ना है 1.414। हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। जैसे √3 है, 1.732 होता है, तो 1.732 कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये पूरे तरीके से डिविजिबल नहीं है कि 1.732 ही आएगा, ठीक है ना। जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे इरेशनल हैं नेचर में। ये कौन से हैं? ये है इरेशनल, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में देखिए, एग्जाम्पल है √4। अब जब √4 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो क्या 2 को 2/1 लिख करके रेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता? रेशनल नंबर तो 2 है ना। जैसे √81, तो √81 की वैल्यू कितनी? 9। 9 भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा, √225, ये वैल्यू कितनी? 15। तो
तो ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने क्या पाया, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है वो सारे रेशनल नंबर होंगे, अदरवाइज जिसका नहीं निकाला जा सकता है वो इरेशनल होंगे। तो जो रेशनल का आपका एक एग्जांपल बोला था उसमें तीन एग्जांपल हो चुके हैं, और देखिए इजी है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, जो कि मेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे एक्सरसाइज में जो देना चाहिए था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, मैं तैयार हूँ क्वेश्चन नंबर तीन के साथ, लेकिन क्वेश्चन नंबर तीन को मैं डायरेक्टली नहीं बताऊँगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है। रूट से पहले, इससे पहले क्लास एट्थ में आपने नंबर लाइन तो पढ़ा है लेकिन उसमें रूट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है रूट टू, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा रूट टू, उसके बाद समझाऊंगा रूट थ्री, उसके बाद हम लोग आएंगे रूट फाइव पे। तो ये क्वेश्चन है तो छोटा, लेकिन मैं उसको बड़ा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर रूट टू और रूट थ्री का स्ट्रक्चर आप बनाना सीख गए तो रूट फाइव, रूट सेवन, रूट सेवनटीन आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग रूट टू पे जाते हैं पहले, रूट फाइव पे जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए रूट टू में सबसे पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ये हमेशा माइंड में लेकर चलना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, भूल गए तो नहीं। ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, और पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना। अब देखिए हमें चाहिए रूट टू, तो रूट टू बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हमारा बेस वन हो और परपेंडिकुलर वन हो तो हाइपोटेन्यूज आता है रूट टू, ठीक है। कैसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं ना, यहाँ बेस कितना है वन है, परपेंडिकुलर कितना है वन है, एच स्क्वायर नहीं पता कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ जाएगा टू स्क्वायर का, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टू। आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो रूट टू अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, ले लिया नंबर लाइन। अब उसमें नंबर लाइन लेने के बाद क्या करना है, जीरो। अब इसमें आपको वन सेंटीमीटर या वन इंच जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आए वो बना लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन छोटा हो तो वन इंच का गैप ले लेना, अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो वन सेंटीमीटर का गैप ले लेना, ठीक है, क्योंकि कॉपी में बनेगा नहीं, बोर्ड पे तो बन जाएगा, मैं वन इंच का भी लेके कोई भी बना सकता हूँ। कॉपी में जब बनाएंगे तो छोटे जो स्ट्रक्चर है जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब बन जाएंगे। अगर आपको रूट 76 या रूट 89 ऐसे कुछ पूछ लेगा तो नहीं बनेगा वो, ठीक है। वन वन सेंटीमीटर का गैप लिया जाता है, तो ये मान लीजिए मेरे लिए वन सेंटीमीटर है, ठीक है, आपके हिसाब से आप कॉपी में जो बनाएंगे वो होगा। वन के बाद ये ले लिया मैंने टू, फिर ले लिया थ्री, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मेन अपना काम इन्हीं दो के बीच में है, ठीक है। क्यों इन्हीं दो के बीच में है, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होता है ना, रूट टू की वैल्यू 1.414 होता है, तो वन और टू के बीच में ही तो आएगा ये, थ्री की भी ज़रूरत नहीं थी अपने को, ठीक है, लेकिन लिख लिया वहाँ पे। अच्छा रूट टू बना रहे हैं, क्या है इसमें, देखिए बेस में वन, परपेंडिकुलर में वन, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट किया, बेस में गया वन, बेस में वन और परपेंडिकुलर में वन। अब यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना होता है अपने को, तो ऐसे ही मैंने एक 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें कर लिया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। अब जितना सेंटीमीटर का आर्क इधर से लगाया है डिवीजन करने के लिए, उतने ही सेंटीमीटर का एक आर्क ऊपर भी लगाएंगे, सेम होना चाहिए। अगर आप एक इंच ले रहे हैं इसको तो ऊपर भी एक इंच, और अगर एक सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ऊपर भी एक सेंटीमीटर, तो ठीक है ये इतनी डिस्टेंस है और अंदाजे से मेरे लिए इतना हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी मान लेता हूँ मैं, और ये मेरे लिए हो जाएगा एक्स, ठीक। अब क्या करना है, अब इससे इसको करना है ज्वाइन, ठीक हो गया ना ज्वाइन। देखो यही स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया, देखो वन सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर, और उसके बाद ये आ गया रूट टू, आ गया ना रूट टू। तो रूट टू को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी बना नहीं है क्योंकि नंबर लाइन पे थोड़ी ना आया, ये नंबर लाइन पे कैसे आएगा, अपना कंपास उठाएंगे और आर्क लेंगे, कितनी
ये ओ से लेकर के एक्स तक की दूरी को आर्क लेंगे, जितना भी ये हाइपोटेन्यूस वाला जितना भी लाइन है उतनी आर्क लेनी है ओ से लेकर के एक्स तक की दूरी को, और एक आर्क हमको मारना है कहाँ से, ओ से। तो जब ऐसे आप आर्क लगाएंगे तो ये ऐसे कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वही हो जाएगी रूट टू की वैल्यू। देखिए क्या आया है, 1.414 आया ना, तो देखो रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। देखो वन और टू के बिल्कुल बीच में आया, तो 1.414 बिल्कुल बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया रूट टू का, अब रूट टू से ही रूट थ्री भी बनता है, इंडिविजुअली नहीं बना सकते उसको, ठीक है ना। रूट टू से ही रूट थ्री बनता है, कैसे बनता है देखिए, इधर ये हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका, ये था स्ट्रक्चर रूट टू का, है ना, ये वन था, ये वन था, ये रूट टू था, ठीक था ना, अभी अभी बिल्कुल जो बनाया। अब देखो क्या करना है, इस लाइन को जो हाइपोटेन्यूज था उसको बेस बनाओ, ठीक है, बेस बनाओ और 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करो। कैसे होगा, ऐसे होगा ना भाई, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। अब देखो इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू रूट टू है, और जब इसको इससे मिलाएंगे तो कितना आएगा, ये रूट थ्री आएगा। अब समझ में नहीं आया होगा कैसे आएगा, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, होता है ना, ठीक है। बेस कितना है अपने पास, रूट टू, परपेंडिकुलर कितना है, वन, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, वन का तो वन ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस रहेगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री। तो आपको ऐसे ब्रेक कर करके माइंड लगाना है, इसमें समझ गए होंगे क्या करना है। अब जो स्ट्रक्चर वो था बिल्कुल इसी इसी में आ जाइए। स्ट्रक्चर में क्या किया है मैंने, इस लाइन को मैंने माना है बेस, ठीक है, और इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। तो जब 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, गया ऐसे 90 डिग्री का एक एंगल। अब ये मेरे लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो जो हमने आर्क ये सब ली हैं सारी बराबर बराबर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, एक आर्क हमको यहाँ से भी लगानी है। तो ये ऐसे मैंने करके एक आर्क लगाया और ये यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने वाई, ठीक है। जो भी नंबर लाइन के ऊपर का आर्क होगा वो एक्स वाई जेड में रख लेना, और नीचे का जो आर्क होगा ए बी सी में रख लेना, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो अगर ए बी सी डी ई एफ जी अगर चला दिया तो उसमें ये गड़बड़ हो जाएगी कि सीक्वेंस भूल जाएंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस हमेशा याद रखने के लिए दो अलग अलग सीरीज लेके चलो, या कोई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना है रूट टू, ये कितना है वन। अभी सॉल्व किया कि अगर एक साइड रूट टू हो और एक साइड वन हो तो हाइपोटेन्यूस कितना आता है, रूट थ्री आता है। बस इसे इसको मिला देंगे और ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब रूट थ्री हो चुका है, अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूस जितना आया है ये उतने की एक आर्क यहाँ से ओ से लगानी है। तो जब ये ओ से आर्क लगाओगे तो ये ऐसे कट करेगा, ठीक है, कट किया। अब देखिए हमको पता है कि रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होता है ना, एक और दो के बीच में ही आएगा। देखो एक और दो के बीच में आया और 1.4 के बाद में आया, और बी से थोड़ा सा कम है, मतलब 1.7 है ना, 1.732, तो वन और टू के दो से थोड़ा सा कम और वन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था रूट टू एंड रूट थ्री का। अब मैं बढ़ूंगा रूट फाइव के लिए, तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज दे दे रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करके आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे रफ करके मैं बनाता हूँ रूट फाइव। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं तैयार हूँ रूट फाइव बनाने के लिए, आप सब भी तैयार है ना, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और रूट फाइव देखिए दो तरीके से बन सकता है, कैसे दो तरीके से बन सकता है, देखो एक तो स्ट्रक्चर है ये, ठीक। अब इसमें
बेस को अगर मैंने 2 मान लिया और परपेंडिकुलर को 1 मान लिया तो ये आएगा रूट 5, या फिर ऐसे भी आ सकता है, बेस को मैंने 1 मान लिया परपेंडिकुलर को 2 मान लिया तो भी आएगा रूट 5। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अब ये फॉलो कैसे कराना है ये देखना पड़ेगा, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले प्रूफ कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। अब देखिए बेस कितना है अपने पास, 2 है, तो अगर 2 यूनिट बेस है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 1 का 1 इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, 5 इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। तो यही चाहिए था ना हमको। तो देखिए कितना आसान है, 2 नीचे 1 ऊपर, और जो भी जहाँ भी कट करेगा वो रूट 5 की ही वैल्यू कहलाएगी। अच्छा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बिल्कुल अगर इसको घुमा भी दिया जाए तो ये ऐसा ही बनेगा, लेकिन फिर भी प्रूफ तो करना बनता है ना। तो ये लीजिए बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा इसमें बेस कितना है, बेस है हमारे लिए 1 इस बार, और परपेंडिकुलर है 2। हाइपोटेनस स्क्वायर का पता नहीं, पता तो है लेकिन अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है। 1 का 1, 2 का 4, इधर आ गया 5 एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। मिल गया जो चाहिए था। मतलब ये दो तरीके से ये डायग्राम बन सकता है नंबर लाइन पे भी। अब ये दो तरीके कौन से होंगे, दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले यहाँ बता रहा हूँ पहला तरीका, और फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा दूसरा तरीका, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए मैं जाऊँगा इसके साथ, ठीक है। तो क्या बनाना है, एक नंबर लाइन ले ली मैंने, ठीक है, नंबर लाइन ली, ये है मेरा 0, ये है 1, ये है 2, और ये है 3। बस इतनी ज़रूरत है, 3 से आगे की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि रूट 5 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, लगभग 2.236 होती है। तो 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा ना, 3 से आगे बनाने की ज़रूरत क्या है आपको, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 0, 1, 2, 3, 3 तक ले लिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, बेस यूनिट कितना है, बेस है 2, तो बेस कितना जाएंगे, ये 2 बाई 2 यूनिट हो गया बेस। अब ऊपर क्या है, 1, तो अब समझ गए होंगे क्या करना है, एक राइट एंगल आपको ड्रॉ करना है यहाँ से, ये राइट एंगल ड्रॉ हो गया। अब ऊपर 1 यूनिट का गैप देना है ऊपर, तो जितना ये आर्क लिया था वही सेम आर्क हम यहाँ से भी लगा देंगे। तो ये आ गया मेरा ए बी सी, और ये आ गया एक्स, ठीक है, एक्स हो गया। अब क्या करना है, इस 0 से इसको मिलाया, तो यही स्ट्रक्चर बन गया ना। बेस में देखिए 2 यूनिट, परपेंडिकुलर में 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा रूट 5। तो रूट 5 की वैल्यू मिल चुकी। अब क्या करना है, ये जितना भी ये डिस्टेंस आया है हाइपोटेन्यूस का, तो एक आर्क ओ से लगाएंगे। तो जैसे ही ओ से एक आर्क लगाएंगे तो ये कट करेगा, और 2 और 3 के बीच में कट करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.236 अप्रॉक्सीमेटली। कभी भी रूट की वैल्यू पूरी नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली ही ली जाती है, ठीक है ना। तो 2 और 3 के बीच में आ गई है दूरी, तो बिल्कुल इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ इसी पे। देखिए क्या है, नंबर लाइन बनाया 0, 1, 2 एंड एट लास्ट 3, ठीक है, हमको 3 यूनिट तक बनाना है क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही दूरी आएगी। अच्छा इस बार क्या किया है मैंने, बेस में है 1 और परपेंडिकुलर में है 2, ठीक है, तो बेस में 1, अब 1 के ऊपर 2 यूनिट बना सकते हैं हम लोग। तो एक 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक कर लिया। अब क्या करना है, 2 यूनिट ऊपर बनाना है, तो जितना एक यूनिट ये बनाया है ऊपर 2 यूनिट बनाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे। तो एक आर कैसे लगाया, एक आर कैसे लगाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है, बन गया। अब क्या किया है मैंने, 1 और 2 को ज्वाइन किया तो रूट 5 मिला, तो बिल्कुल यही काम मैं यहाँ से भी करूँगा, ये मिल गया मुझे रूट 5, ठीक है, रूट 5 मिल चुका है। अब क्या करना है, बिल्कुल वही चीज़, हाइपोटेन्यूस की दूरी लेनी है,
आर्क के रूप में मेजर करना है और एक आर्क ओ से लगा देना है। तो जितना ये डिस्टेंस आया है ये आर्क हम ऐसे लगा देंगे। तो ये आर्क जब ऐसे लगाएंगे आप तो ये ऐसे कट करेगा, कट कर लिया। देखिए दो और तीन के बीच में आया है क्योंकि वैल्यू कितनी है इसकी, 2.236 नियर अबाउट। तो ये स्ट्रक्चर था रूट फाइव का। रूट फाइव को ऐसे भी बना सकते थे, रूट फाइव को ऐसे भी बना सकते थे। इससे पहले मैंने रूट टू और रूट थ्री का बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखा दिया और सारे ही नंबर ऐसे ही बनते हैं रूट के, ठीक है। कभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और भी कई नंबर्स मैं लूँगा जिसका मैं रूट बता सकूँ। तो मेरी वीडियोज़ को इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि कोई भी मैथ्स की वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू।